है सर, बिहार के लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है, बाहर के लोग नौकरी ले जा रहे हैं और बिहार के लोग बेरोजगार रह रहे हैं, क्या कहिएगा आप? क्षेत्र में लगातार डर में, क्या वह सही हुआ है सर? देखिए, हम तो धन्यवाद आदरणीय अपने परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देते हैं। उन्होंने आर्थिक सामाजिक जनगणना तो हुआ ही था, जाति गणना ही करा करके करके एक बिहार ने नजीर पेश किया है देश के सामने। पूरे बिहार के बाद अन्य राज्यों में भी मांग उठने लगी है कि नीतीश कुमार जी ने क्या करके दिखा दिया है। तो अन्य राज्य भी अब चाह रहे हैं कि जाति गणना हो, और हम जाति गणना में कोई गलत नहीं हुआ है, और हमारे नेता ने कहा भी सदन में कि कोई जाति गणना में कोई कमी हुई है तो आप त्रुटि बताइए कहां पे गिनती नहीं। भाजपा कहती है कि गलत है जाति जनगणना, आप लोग जो है घर बैठे जाति जनगणना करा लिए हैं, किसी के घर पे नहीं गया। कुछ भाजपा के नेता है कहते मेरे घर पे आया ही नहीं, तो कैसे जाति जनगणना होगी आप बताइए सर? देखिए, जब जाति गणना हो रहा था भाजपा के नेता तो विदेश घूमते रहता है, वो घर पे रहते तो है नहीं, जो घरों में है उसकी गिनती हुई, जो विदेश चले गए उसका क्या गिनती होना है? तो गिनती सारे लोगों का हुआ है, कोई नहीं बता सकता कि मेरे साथ भेदभाव हुआ है, और सभी लोगों ने संतुष्टि दिया, सदन में लोगों ने सहमति दिया कि भाई नहीं, जाति गणना जो हुआ अच्छा हुआ है, और जाति गणना को उन लोगों ने भी सपोर्ट किया है। लेकिन चूंकि भाजपा वाले के पास ना कोई नीति नक्शेदान एजेंडा है, न काम धंधा तो है नहीं, उनको सिर्फ विरोध करना है। वही चाहते हैं कि क्रेडिट उनको नहीं चले जाए, इसलिए उनका लगता है कि हम इसका कैसे विरोध करें और उसमें हम कैसे शामिल हैं। सदन में उसको ना निगलने और ना उगड़ने के लिए मत पड़ रहा था, उन्होंने हर बिंदु पर हम लोगों को सपोर्ट कर रहा था। हम बता सकते हैं, कह भी सकते हैं कि जाति गणना अच्छा हुआ है, जाति गणना से आने वाला समय में पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित वंचित समाज को लाभ मिलेगा, और समाज के मुख्य धारा में जुड़ करके जो लोग कमजोर वंचित वो लोग समाज थे वो आगे बढ़ेंगे। अजय, 75% आरक्षण की जो बात है, इससे इसके बारे में सर क्या आप विधानसभा सत्र शीतकालीन सत्र में वहां मौजूद थे, क्या कहना चाहिएगा सर उसके बारे में? हम लोग तो कहे कि हमारी सरकार तो किया कि पहले जो आरक्षण था 50% था, बढ़ा के हम लोग 75% कर दिए, 65% ईएडब्ल्यूएस को 10% पहले से केंद्र सरकार ने, तो 75% हो गया। तो 75% यदि आरक्षण, क्या फायदा होने वाला है सर? इससे क्या फायदा होगा आरक्षण दे रहे, इससे क्या? बीजेपी का कहना तो फालतू है ये लोग, लेकिन समर्थन किया है, भाजपा भी समर्थन की है, आखिर क्या बात है सर? आप लोग जो ये कार्ड खेले हैं, चुनावी आप लोग का कोई मुद्दा है क्या? देखिए, कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। हमारे नेता पहले से भी कह रहे थे कि पिछड़ा अति पिछड़ा समाज या वंचित समाज जो है वो किस स्थिति में, यदि जाति गणना कराने से उसकी स्थिति पता चल जाती है, उसमें सिर्फ जाति गणना नहीं, उसकी आर्थिक स्थिति भी देखा गया है। उस गणना के बाद, आर्थिक स्थिति की गणना के बाद जब हम लोग सदन में उस बात को रखा गया तो कितने लोग, कितने समाज, कितने लोग नौकरी पा रहे हैं, कितने समाज को नौकरियां नहीं मिला, संख्या क्या है, तो उसको समाज के कैसे मुख्यधारा जोड़े, कैसे उसको हम नौकरियां दें, कैसे उसको हम आर्थिक लाभ दें, तो सरकार ने यह तक देखा कि जो आबादी है पिछड़ा अति पिछड़ों को, उसको नौकरियां कम है, तो उसको उसके लिए सरकार ने आरक्षण बढ़ाया। गरीब लोगों के लिए, एसटीसी समाज के लिए देखा कि उसको आवास संख्या की संख्या नहीं थी, तो सरकार ने पहले सरकार गरीब लोगों के लिए 60,000 रुपया देती थी कि आप 60,000 रुपया में जमीन खरीदिए, अब सरकार उसको बढ़ा के 1,00,000 रुपया कर दी। जो लोग बेरोजगार थे उसके लिए सरकार 2,00,000 रुपया दे रही है, और सरकार घोषणा हुआ है सदन में सर, क्या किसको 2,00,000 रुपया दे रहे? गरीब लोग, जो बीपीएल लोग हैं, जो बीपीएल समाज के लोग हैं, जिनकी गिनती आर्थिक जनगणना में कमजोर लोगों वर्गों में आई है, सरकार बोल, सरकार ने कहा भी, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है हमको विशेष राज का दर्जा दीजिए, हम उसको जितना जल्दी और लाभ देंगे। हम, हमारी सरकार मांग करती है हम विशेष राज का दर्जा भी दीजिए, और सरकार अपने कम संसाधनों से जितना काम कर रही है, ये गरीब गुरुआ के लिए 2,00,000 रुपया नौकरियों में, इतना नौकरी दे रही है, बताइए कैसे नौकरी मिला? युवा को नौकरी मिल गया है सर लगातार क्षेत्र में, आरक्षण से क्या फायदा, नौकरी मिला? देखिए, आप एक अच्छे चैनल के लोग हैं, आप, आपको जानकारी है कि अभी सरकार ने 1,20,000 नौकरियां जो दी है, पहले आप देखे थे कभी? हमारा, हम तो अपना, हम आपको कह सकते हैं कि हमारा जीवन खत्म हो गया, हमने इतनी बड़ी एक साथ नियुक्ति कभी नहीं देखा था, और बहुत लोगों को उसमें बोनी भी नहीं हुआ, लोग बहुत लोग बोनी करवाते थे कि नियुक्ति देंगे, लेकिन सरकार ने उसको भी खत्म कर दिया। 1,20,000 को एक साथ एक मंच पर माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक नौकरियां मिली, फिर अभी 70,000 की नौकरी निकलना जा रहा है, और तो कह सकते हैं कि ये आरक्षण के कारण बहुत लोगों को नौकरी मिल रही है। बरारी विधायक जदयू से हैं, जदयू और नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं, मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी, उनका कहना है सर का कि बिहार में इतिहास में पहली बार मैंने नहीं देखा इतना नौकरी, लेकिन बीजेपी का कहना है सर बिहार के लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है, बाहर के लोग नौकरी ले जा रहे हैं और बिहार के लोग बेरोजगार रह रहे हैं, क्या कहिएगा आप? क्षेत्र में लगातार डोर टू डोर भी जाते हैं, मिलते हैं, क्या कहिएगा सर? आप अपने पोस्ट पे, मैं बता दूं कटिहार से 2 SDM महिला बनी है, क्या कहिएगा सर? 2 महिला उनके पास भी आप गई हैं, गए हैं सर मिलने, क्या? देखिए, जितना नौकरियां बिहार में मिल रही है, और बिहार सरकार ने तो ओपन कहा है कि आप आइए नौकरी में एग्जाम दीजिए, एग्जाम में पास किया हम नौकरी देंगे, कोई भ्रष्टाचार कोई उसमें कहीं गलत नहीं हुआ है। बाहर के लोगों को भी नौकरियां मिली है, और जो नौकरी ले गए उनसे एक महिलाओं से, एक बच्ची से, एक लोगों ने पूछा चैनल के माध्यम से, बच्चे आपका घर कहाँ है? तो उन्होंने कहा मेरा यूपी घर है। तो बोला यूपी में आप आ गए बिहार नौकरी लेने के लिए, तो यूपी में आप क्यों नौकरी? बोला बोला यूपी में घंटी बजाने के लिए सिखाया जा रहा है, वहाँ नौकरियां नहीं है, हम बिहार में नौकरी मिली है, नीतीश कुमार जी नौकरी दे रहे हैं, इसलिए हम नौकरी लेने बिहार आए। अब कह सकते हैं, देखिए, एक छोटा सा राज्य बिहार, गरीब राज्य बिहार, जहाँ हम लोग मांग करते हैं कि हमको
विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, लेकिन नीतीश कुमार जी अपने कम संसाधनों के द्वारा इतनी अच्छी नियुक्ति निकाल रहे हैं, इतने लोगों को नौकरी मिल रही है, इतना आरक्षण दे रहे हैं, तो यही नीतीश कुमार जी कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। और एक भाजपा की सरकार है जो बोलती है करती कुछ नहीं, जुमलेबाज की सरकार है। उन्होंने कहा था कि हमको केंद्र में सरकार में लाइए, हमको प्रधानमंत्री बनाइए, हम लोगों को 2 करोड़ प्रत्येक 2 करोड़ लोगों को प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे। 10 साल हो गया, 9-10 साल हो गया, हम कह सकते हैं कि 1 लोगों को नौकरी नहीं मिली है। तो 10 साल में 20 करोड़ लोगों को नौकरी होना चाहिए, कहाँ नौकरियां मिली, क्या मिला कुछ लोगों को? उन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारी खत्म कर देंगे, बेरोजगारी चरम सीमा पे, महंगाई खत्म कर देंगे, महंगाई क्या स्थिति है, दही पे GST है भाई, कफन में GST लगा दिया ये सरकार, लोग कफन में GST हो, खाने के सामान में GST हो, अब बताइए क्या करें, किस पे कर दें? तो हम धन्यवाद नीतीश कुमार जी के देते हैं, यहाँ पे सब लोग संपन्न है, सब लोगों का आर्थिक स्थिति संभल हो रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार में नियुक्ति नौकरियां मिल रही है, बिहार में आरक्षण मिल रहा है, और बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ 65% अति पिछड़ा पिछड़ों का आरक्षण मिला है, और आने वाला समय इस आरक्षण के कारण हमारे पिछड़े अति पिछड़ा समाज के बहने भाई ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिलेगी और बिहार आगे बढ़ेगा। सर, अति पिछड़ा समाज से तेजी से वायरल हो रहा था, आप अपने फेसबुक पे पोस्ट किए हैं, 2 SDM महिला बनी है, क्या कहिएगा, क्या उसको आरक्षण का लाभ मिला तभी बनी है SDM? देखिए, SDM आरक्षण का लाभ का कह सकते हैं, लेकिन वो क्या है, उनका वो SDM बनी है, कोई नौकरी मिली उसको अपने कैपेसिटी कारण, अपने एबिलिटी कारण, अपने पढ़ने के दक्षता के कारण, और खासकर जो अति पिछड़ाओं के हमारे बहनों को बिहार सरकार ने 35% आरक्षण दिया, तो मैंने भी पूछा उससे कि क्या बहन आपको कि इसमें 35% आरक्षण का लाभ मिला? उन्होंने कहा निश्चित भैया हमको आरक्षण मिला, यदि हमको 35% नीतीश कुमार जी आरक्षण नहीं देते तो हमको ये SDM का पद नहीं मिलता, हमको पद मिलता, लेकिन SDM का पद नहीं मिलता क्योंकि हमको आरक्षण में नहीं आ रहे थे, आरक्षण में कम आने का कम मार्क्स होने के कारण भी आरक्षण आया, हमको उसको पद लाभ मिला। हमने कहा धन्यवाद है आपको नीतीश कुमार जी के कारण ये लाभ मिला है, इसलिए आपने ब्रेन में हमेशा रखना, ये नीतीश कुमार जी ही कर सकते हैं, और नीतीश कुमार जी ने जो किया है वो नजीर है, और अन्य राज्य भी इसको अपनाने जा रहा है। नीतीश कुमार जी के बारे में लगातार आपसे बातचीत होती रहती है, लगातार आप मिलते भी हैं, लगातार आपका पोस्ट भी देखते रहते हैं। सर, आपसे सवाल है, विधानसभा शीतकालीन सत्र में नीतीश कुमार का भी बयान पूरे देश के, अमेरिका में भी, देश विदेश में सर वो वायरल हो रहा है, लोग क्लिप में लगा रहे हैं, भाजपा का IT सेल का इतना एक्टिव है अभी, लगातार उस बयान को बार बार लोगों के प्रति जा रहा है, नीतीश कुमार ने जो महिलाओं के प्रति अभद्र बयान दिए हैं, सांसद लगातार सांसद में भी, चाहे हर मुद्दे को हर के मोबाइल में अभी सर वायरल हो रहा है, क्या कहिएगा उस मुद्दे पे नीतीश कुमार ने जो महिलाओं के प्रति जो राजनीतिक का जो मंदिर है, जैसे हम लोग विद्यालय में पढ़ते हैं सर, और आप लोग का मंदिर वही है, तो क्या कहिएगा उस मंदिर में जो नीतीश कुमार जो बयान दिए हैं, उस बयान को सर कैसे आप देखते हैं, क्या कहिएगा नीतीश कुमार जो बयान दिए हैं सही दिए हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी की बढ़ती लोकप्रियता को देख करके माननीय नीतीश कुमार जी ने आरक्षण दिया, आरक्षण के बाद जो भूचाल आया, लोगों को बड़े बड़े लोगों को तो पचने रहा है, और उनको लगता है ये भाजपा की जो सरकार है, केंद्र की जो सरकार है, वो चाहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी का ग्राफ कैसे घटे, तो उनका लोग जो फेसबुकिया लोग हैं फेसबुक पे चला रहे हैं, इसके इनकी 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 फेसबुकिया से कुछ होने वाला नहीं है, हमारे नेता काम करने वाले लोग हैं, हमारे नेता काम करते हैं महिलाओं के लिए, जितना काम बिहार ने कर दिया है कोई राज अन्य राज्य नहीं किया है, बिहार ने जो कल करके दिखा दिया कि आरक्षण 1,20,000 लोगों की नियुक्ति, ये सारी काम को देख के भाजपा के लोग घबरा गए हैं, सामने 2024 है, क्योंकि उन्होंने 10 साल में रह करके भाजपा वाले एक काम बिहार हुआ चौक लेने नहीं किया है, तो उनको लगता है कि नीतीश कुमार इतना काम कर रहे हैं, इनकी लोकप्रियता को कैसे खत्म करें, कैसे ग्राफ में घटाएं, इसलिए फेसबुक पे चला रहे हैं, लेकिन बिहार के लोग पिछड़े अति पिछड़े दलित महादलित वंचित समाज लोग के लोग देख रहे हैं हमारे नेता के प्रति लोगों ने क्या कर रहा है, और नेता हमारे नेता ने भी भरी मन से भरी सभा से क्षमा मांगा है, तो अधिक कोई देश प्रदेश के नेता क्षमा मांग ले तो उससे बड़ी कुछ बात होता है। अश्लील बातें भाजपा करती है, बहुत अश्लील बातें उन्होंने कहा है, कोई अश्लील बात नहीं है, भाषा नहीं है, ठेठी भाषा था, अरे वही हमारे नेता इंग्लिश में उसको समझाते तो बोलता देखिए नीतीश कुमार जी कितना अच्छा इंग्लिश बोल रहे हैं, और उनको जिससे नेता ने हमारे सदन में बहुत ही साधारण भाषा से समझा है, ठीक है, यदि उनको लगा कि ये गलत कहे तो उन्होंने क्षमा ही मांगा है। यही कटिहार है सर, नीतीश कुमार का पुतला दहन हुआ है, अभी कटिहार में भी बराबर लगातार हर क्षेत्र में आपका दौरा रहता है, कुछ लोग उनका पुतला दहन कर रहे हैं, कोई लोग कहते हैं चप्पल से मारेंगे, क्या कहिएगा, क्या मैसेज देना चाहिएगा सर, अश्लील जो बातें हैं क्या कहिएगा सर? देखिए, सबकी छवि सब लोग जानते हैं, ये नेता ने हमारे केंद्र की जो भाजपा की सरकार है उन्होंने क्या कहा था, बेटी बचाओ बेटी पटाओ। अच्छा, कौन कहे थे सर? मोदी जी कहे थे, नरेंद्र भाई मोदी जी कहे थे। अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री, उनका ये स्टेटमेंट था, जर्सी गाय महिलाओं के लिए जर्सी गाय का शब्द किया गया था, और ये भी हम कह सकते हैं महिलाओं के लिए आपने तो अपनी पत्नी को छोड़ दिए, जो अपनी पत्नी को रक्षा सुरक्षा नहीं कर सकते, न पाल पोस सकते हैं, तो देश की महिलाओं को कैसे सम्मान दे सकते हैं? तो जो ये पुतला दहन करते हैं उनका पुतला, खुद का पुतला दहन 24 जलने वाला है, 24-25 में ऐसा पुतला जलेगा ना, 24 में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे मोदी, अभी तो लगातार कर रहे हैं इतिहास के सबसे बड़े माननीय प्रधानमंत्री, 56 इंच सीना, अरे 56 इंच का सीना उनका पता, 56 से 54 52 50 48 36, अब उसका 30 आने वाला है, सब जैसे चुनाव आ रहा है उनका भाषण सुन रहे हैं कि तो भाषण का उखड़ापन देख रहे हैं, राम मंदिर बना दिया, उद्घाटन होने वाला है, हम तो इतिहास सबसे बड़े प्रधानमंत्री, ताकतवर प्रधानमंत्री है सर। नहीं, और उसके बारे में आप कहते हैं 2024 में PM नहीं बनेंगे? राम मंदिर से, राम मंदिर बनना चाहिए, बनाया है लोग, ठीक है,
राम मंदिर कोई एजेंडा नहीं है, इसको गरीब अमीर का कोई लेना देना नहीं है। गरीब के पास जाइए, उसको बोलेगा खाना कहाँ से आएगा, राशन कहाँ से आएगा, बेरोजगारी कहाँ से खत्म होगी। तो लोग को काम मंदिर बनना चाहिए, लेकिन गरीब का काम होना चाहिए। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, देश के भाजपा के नेतृत्व, जो केंद्र की सरकार है, गरीब गुरबा की सरकार नहीं है, पूंजीपतियों की सरकार है। दो व्यक्ति बिहार भारत में है, एक खरीद रहा है एक बेच रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बिहार की बात करें तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास हुआ है, आने वाला समय विकास होगा, बिहार आगे बढ़ेगा। क्या लगता है आपको 2024 में आप उनका रथ रोक दीजिएगा, आप सभी इंडिया गठबंधन बना लीजिए हैं? अभी तो देख लीजिए ना, 5-6 स्टेट का चुनाव का रिजल्ट आने दीजिए, तो मोदी जी का सब पता चल जाएगा। मोदी जी 56 से आ जाएंगे 30 में। चलिए, कटिहार लोकसभा में है, लाजमी है लोग कहेंगे सर से आए और आप सवाल नहीं पूछे। मेरा सबसे तहलका वाला सवाल है, लोग सुनना भी पसंद, कटिहार लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ इंडिया गठबंधन में भी हैं आप लोग। इंडिया गठबंधन से अभी वर्तमान में सांसद जो हैं जदयू से दुलाल चंद्र गोस्वामी जी हैं। क्या लगता है, तारिक अनवर का भी दौरा चल रहा है, इंडिया गठबंधन में है सर, किसको इस बार आप देखना चाहते हैं कटिहार लोकसभा सांसद में, किसको देखना चाहते हैं, आपकी पार्टी किसे सपोर्ट करना चाहते हैं, जदयू से है, क्या कहिएगा इस पे सर? देखिए, हम लोग जनता दल यू से है, ऐसे तो हम लोग यहाँ गठबंधन में है, तो जनता दल यू के जो हमारे लोकप्रिय सांसद यहाँ से हैं, पहले से हैं, तो अभी कोई गठबंधन में सीट शेयरिंग हुआ नहीं है। तो जेडीयू वाले चाहेंगे कि सीट जेडीयू को जाए, हम लोग बहुत लड़ाई लड़कर संघर्ष लड़कर की सीट को काबिज किए, तो हम लोग चाहेंगे आने वाला समय भी हम लोग को जनता दल यू की सीट जाए और हम लोग के बीच से ही कोई जेडीयू के लोग सांसद बनकर दिल्ली जाए और कटिहार की सेवा करें। आज के लिए इतना ही, सर से लगातार सवाल पूछते हैं और बेबाकी तरह से बयान रखते हैं, लगातार क्षेत्र में काम करते रहते हैं और लगातार नीतीश कुमार के पास में भी यहाँ की जन सुनवाई को लेकर फोन भी करते हैं और लोगों की समस्या का निदान भी करते हैं। सर, आपका जो सपना था और आप लगातार कटिहार में, क्या सर आपको लगता है आपका कोई सपना है जो अभी और पूरा होना है? सर, आप विधायक बने हैं और आप जब जिस समय जीवन पे थोड़ा आपका आते हैं सर, जब आप शुरू से आप ये राजनीतिक क्षेत्र में आए थे, लगा था आपको कि आप विधायक बन जाइएगा? देखिए, हम तो मछुआ का बेटा, निषाद का बेटा, मछली मारने वाला का बेटा है, हमारे बाबूजी मछली मारने का काम करते थे और हम लोग सोचा नहीं था कि हम राजनीति में आएंगे। 2007 से पूर्व हमारे यहाँ के हमारे चाचा लगातार 35 साल वार्ड काउंसलर रहे, 2007 में मुझे अवसर मिला तो हम वार्ड कमिश्नर बने। तो फिर 2010 में चुनाव हुआ तो लोगों ने कहा कि नगर निगम, माननीय नीतीश कुमार जी 2009 में घोषणा कर दिया कि भैया कटिहार को नगर निगम में ले जाएंगे, बना देंगे, घोषणा कर दी कि नगर निगम होगा। और 2011 में हम यहाँ के प्रथम मेयर बनने का सुहाग इस मछुआ को बेटा को मिला। और 2016 में हम 2011 से 16 में दूसरी बार चुनाव लड़े, दूसरी बार भी हम मेयर बने। 2019 में अविश्वास प्रस्ताव में हम हार गए थे, उसके बाद पुनः चुनाव हुआ, फिर हम मेयर बन गए। तो लगातार 3 बार हमको मेयर बनने का कटिहार का स्वर्ग प्राप्त हुआ और हमने कटिहार के लिए इतिहास रचा। इस मछुआ का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा, और मुझे गर्व है कि मैं अति पिछड़ा समाज से हूँ, निषाद समाज से हूँ, और मैंने कटिहार का इतिहास रचा। आप लोगों के आशीर्वाद से, कटिहार की जनता के आशीर्वाद से, कटिहार के वार्ड काउंसिल के आशीर्वाद से हमने प्रथम मेयर बना, दूसरी बार मेयर बना, तीसरी बार मेयर बना। और कटिहार बरारी की जनता को हम धन्यवाद देते हैं, देवतु जनता को, उनका हम कितना भी बात है, कितना भी काम कर दें, कितना भी हम कुछ कर दें, उसका चरणामृत पांव धो के पी लें तो वो हम उसके लिए कुछ भी कर दें कम ही महसूस होगा। उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से और नीतीश कुमार जी की धन्य कृपा से हम वहाँ के बरारी के विधायक बन गए। और बरारी में भी हम विधायक बने तो आज़ादी के बाद बहुत से वहाँ पे विधायक बने, तो जितना वोट लोगों ने हमको दिया थी, पिछड़ा को बेटा को, निषाद के बेटा को, आज तक उतना वोट किसी को नहीं मिला था। तो हम ये कह सकते हैं कि मुझे भी वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिला। कटिहार के राजनीति में हम लोगों ने काम किया है, हमारी हमेशा मनसा रहती है गरीब गुरबा को भी जाएँ, गरीब का कैसे काम हो, गरीब गुरबा को हम कैसे काम करके दें, और समाज के में जो वंचित समाज है उसको कैसे समाज के मुख्य धारा में जोड़ें। और खासकर नीतीश कुमार जी का लक्ष्य जो 7 निश्चय पार्ट 1, 7 निश्चय पार्ट 2 और अन्य जितनी सरकारी योजनाएं उसमें हम लोग काम कर रहे हैं, आने वाला बरारी बिहार के मानचित्र में आगे आएगा। हम लगातार क्षेत्र भ्रमण करते रहते हैं, गरीब गुरबा से मिलते रहते हैं और आने वाला समय भी हम लोग उनके बीच रहेंगे। लगातार सर के बारे में आपको जानकारी दे दें, सर इतिहास में पहली बार बरारी से हैं और इतिहास में इतना बड़ा जीत नहीं हुआ था, ये ना सर? वो भी आप लोगों की कृपा से, बरारी जनता की कृपा से। बरारी मतलब मछुआरा का बेटा बन विधायक बन गए, पहले मेयर थे, मेयर बनने के बाद अति पिछड़ा समाज से बन गए अब विधायक। बने रहे वीडियो में, आगे देखिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी आशीर्वाद दीजिएगा। अगर इस वीडियो के अंत में कहीं कुछ गलत बोले होंगे तो क्षमा चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, बने रहे वीडियो में, आगे देखें।